श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण अचानक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण बहुत दुखी हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे हाथियों का झुंड अपने साथी को खोने पर दुखी हो जाता है। जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उनके दिल उनकी चाल ढाल, प्रेम भरी मुस्कान, उनकी चंचल निगाहों और उनके मोहक वचनों से भर उठे और साथ ही उन कई अन्य लीलाओं से जो वह उनके साथ किया करते थे। इस तरह श्री राम के स्वामी कृष्ण के विचारों में खोई हुई गोपियां उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। चूंकि प्रेम प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, इसलिए उनके शरीर ने कृष्ण के चलने, हंसने, देखने, बोलने और उनकी अन्य विशिष्टताओं की नकल करना शुरू कर दिया। उनके विचारों में डूबने और उनकी लीलाओं को याद करके पागल हुई गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण को आकाशवाणी देते हुए गायिकाओं के झुंड के समान वे उनके लिए पूरे वृंदावन वन की खोज की, यहाँ तक वृक्षों से पूछताछ की, जो सभी उत्पन्न वस्तुओं के भीतर और बाहर आकाश के समान आत्मा के रूप में विराजमान है। हे अश्वत्थ वृक्ष, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? वो नंद महाराज का पुत्र है जो अपनी प्यारी मुस्कान और नजरों से हमारे मन चुरा कर ले गया है। हे कुर्बक वृक्ष, हे अशोक, हे नागकेसर, पुन्नाग और चंपक, क्या इस मार्ग से बलराम का छोटा भाई गया है जिसकी हंसी सभी अभिमानी स्त्रियों के गर्व को दूर करने वाली है? हे परम दयालु तुलसी, जिसे गोविंद के चरण प्रिय हैं, क्या तुमने उसे देखा है जो अचूक है, तुम्हें पहने हुए और भंवरों के झुंड से घिरा हुआ यहाँ से गुजरता हुआ? हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति और हे युथिका, क्या माधव ने तुम्हें अपने हाथों का सुखद स्पर्श दिया है? हे चूत, हे प्रियाल, हे सपोटा, हे आसन और कोविदार, हे जामुन, हे अर्जुन, हे बेल, बकुला और आम, हे कदंब और नारियल और यमुना किनारे रहने वाले अन्य पौधों और पेड़ों जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है, हम गोपियों के मन चुरा लिए गए हैं तो कृपया हमें बताइए कि कृष्ण कहाँ गए हैं? हे माता पृथ्वी, तुमने भगवान केशव के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए कौन सी तपस्या की जिसके कारण तुम परम आनंद से भर गई हो और तुम्हारे शरीर पर रोमांच हो रहा है? इस स्थिति में तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। क्या भगवान के इसी प्रकटीकरण के समय तुम्हें ये भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं या फिर और पहले जब उन्होंने तुम पर वामनदेव के रूप में अपने पैर रखे थे या इससे भी पहले जब उन्होंने वराहदेव के रूप में तुम्हें गले लगाया था? हे सखी हिरनी, क्या भगवान अच्युत तुम्हारी आंखों को खुशी देने के लिए अपनी प्यारी संगिनी के साथ इधर से गुजरे थे? निश्चय ही इस ओर से कुंद के फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है जिस पर उनकी प्रेमिका के स्तनों पर लगे कुमकुम ने छाप छोड़ी थी। हे वृक्षों, हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। जब राम के छोटे भाई इधर से गए जिनके पीछे पीछे भौरे उनकी माला की तुलसी मंजरी के चारों ओर मंडरा रहे थे तो क्या उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणामों को स्वीकार किया था? वे अवश्य ही अपनी बांह अपनी प्रिया के कंधे पर रखे रहे होंगे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। चलो इन लताओं से कृष्ण के बारे में पूछा जाए। हालांकि वे अपने पति इस पेड़ की बाहों में आलिंगन कर रही हैं, लेकिन अवश्य ही कृष्ण ने अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया होगा क्योंकि खुशी के मारे इनकी त्वचा पर चकत्ते उभर रहे हैं। ये शब्द कहते हुए कृष्ण को खोजते खोजते हताश हो चुकी गोपियां पुनर्तः उन्हीं के विचारों में लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अभिनय करने लगी। एक गोपी ने पूतना बनने का अभिनय किया जबकि दूसरी ने शिशु कृष्ण बनकर उसके स्तन का पान करने का नाटक किया। एक अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण के रोने का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर लात मारी जो शकटासुर बनने का अभिनय कर रही थी। त्रिणावर्त बनकर एक गोपी ने दूसरी गोपी को, जो बालक कृष्ण का अभिनय कर रही थी, उठाकर ले गई, जबकि तीसरी गोपी घसीटते हुए चलने लगी और उसके पांवों में पहनी पायजेब बजने लगी। कई अन्य गोपियों के बीच दो गोपियां राम और कृष्ण बनी जो ग्वाल बालों की भूमिका निभा रही थी। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा राक्षस वत्सासुर के वध की नकल की जिसमें दूसरी गोपी वत्सासुर बनी थी। गोपियों के एक जोड़े ने बकासुर वध का अभिनय किया। जब एक गोपी ने बिल्कुल वैसा ही अनुकरण किया जैसा कि कृष्ण दूर विचरण करती गायों को बुलाते थे,
वे किस तरह बांसुरी बजाते थे और वे किस तरह अलग अलग खेलों में लग जाते थे। तो दूसरी गोपियां, बहुत अच्छा चिल्लाकर उसकी सराहना की। एक अन्य गोपी अपना मन कृष्ण में स्थिर कर अपनी सहेली के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगी और बोली, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो तो मैं कितनी शानदार चल रहा हूँ। एक गोपी ने कहा, आंधी वर्षा से डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी चुनरी अपने सर पर उठा ली। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, राजन, एक गोपी दूसरी के कंधे पर चढ़कर दूसरे के सिर पर अपना पैर रख बोली, दुष्ट सर्प यहीं से चले जाओ। तू ये जान ले कि मैं इस जगत में इसलिए पैदा हुई हूँ ताकि दुष्टों को सजा दे सकूं। तब एक और गोपी ने कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालो, इस जंगल में लगी आग को तो देखो, फौरन अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारी रक्षा आसानी से कर लूंगी। एक गोपी ने अपनी एक सुडौल सखी के हाथ पैर फूलों की माला से बांधे और कहा, अब मैं इस बालक को बांधूंगी जिसने मक्खन के बर्तन फोड़े हैं और मक्खन चुराया है। तब दूसरी गोपी ने अपना मुंह और सुंदर आंखों को हाथ से ढक लिया और डरने का नाटक करने लगी। जब गोपियां कृष्ण की लीलाओं की नकल कर उतार रही थीं और वृंदावन की लताओं तथा वृक्षों से पूछ रही थीं कि भगवान कृष्ण कहाँ हो सकते हैं, तब उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पदचिन्ह दिख गए। गोपियों ने कहा, इन पदचिन्हों में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश, जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये नंद महाराज के पुत्र महान आत्मा कृष्ण के ही हैं। गोपियां श्री कृष्ण के उन अनेक पद चिन्हों द्वारा प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान लगाने लगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पद चिन्ह उनकी प्रियतमा के पद चिन्हों के साथ मिल गए हैं, तो वे व्याकुल हो गईं और इस प्रकार बोलने लगी, यहाँ पर हमें किसी गोपी के पांव के निशान दिख रहे हैं, जो जरूर नंद महाराज के बेटे के साथ साथ चल रही होगी। उसने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे होंगे, जैसे कोई हाथी अपनी सूनड़ अपनी सहगामिनी हथिनी के कंधे पर रखता है। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूर्ण रूप से पूजा की होगी, क्योंकि वे उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हम सभी गोपियों को छोड़ दिया और उन्हें एकांत स्थान में ले आए। हे बालाओ, गोविंद के चरणों की धूल पवित्र है, इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव और रामा माता भी अपने पापों को धोने के लिए उन्हें अपने सिर पर धारण करते हैं। वो विशिष्ट गोपी के चरण चिन्ह हमें खूब विचलित कर रहे हैं। सारी गोपियों में से केवल उसे ही एकांत स्थान पर ले जाया गया, जहां वो कृष्ण की होठों का सुख प्राप्त कर रही है। देखो, यहां हमें उसके पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि वहां घास और कुश उसके पैरों के कोमल तलवों को चोट पहुंचा रहे होंगे, इसलिए प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। मेरी प्यारी गोपियों, देखो तो यहां काहू के पद चिन्ह पृथ्वी में गहरे धसे हुए हैं। अपनी प्रियतमा को गोद में लेकर चलना अवश्य उसके लिए कठिन हो रहा होगा, और यहाँ पर तो चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। जरा देखो ना, किस तरह प्रिय कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उनके पैरों के अग्रभाग पंजे का ही चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि फूलों तक पहुँचने के लिए वे अपने पैरों के पंजों पर खड़े थे। निश्चित तौर से कृष्ण ने अपनी प्रेमिका के बाल संवारने के लिए यहाँ उसके साथ बैठे थे। कामुक लड़के ने उन फूलों से अपनी कामुक प्रेमिका के लिए जूड़ा बनाया होगा, जिसे उसने इकट्ठा किया था। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, हालांकि वे स्वयं में संतुष्ट और पूर्ण होने के कारण केवल अपने अंतर में ही आनंदमग्न रहते हैं। इस प्रकार विरोधाभास द्वारा उन्होंने सामान्य वासनाग्रस्त पुरुषों और कठोर हृदय वाली स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन किया। जब गोपियां पूरी तरह से भ्रमित होकर घूम रही थीं, उन्होंने कृष्ण की विविध लीलाओं के चिन्हों की ओर इशारा किया। विशेष रूप से वो गोपी जिसे कृष्ण ने बाकी सभी युवतियों को छोड़कर एकांत जंगल में ले जाया था, खुद को सबसे श्रेष्ठ महिला समझने लगी। उसने सोचा, मेरे प्रिय ने उन सभी अन्य गोपियों को अस्वीकार कर दिया है, भले ही वे कामदेव द्वारा ही प्रेरित थीं। उन्होंने केवल मेरे साथ प्रेम करना चुना। जब दोनों प्रेमी वृंदावन जंगल के एक भाग से गुजर रहे थे, तो विशेष गोपी अपने आप पर गर्व करने लगी। उसने भगवान केशव से कहा, मैं और नहीं चल सकती, मुझे जहां भी ले जाना हो उठाकर ले जाइए। ऐसे कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ,
पर यह कहते ही वे नजरों से ओझल हो गए। उनकी प्यारी पत्नी को तब बहुत पछतावा हुआ। वो पुकार उठी, हे स्वामी, हे प्रियतम, तू कहाँ है? तू कहाँ है? हे बलवान भुजाओं वाले, हे सखा, अपनी दीन दासी को दर्शन दे। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब कृष्ण का मार्ग खोजती हुई गोपियों ने पास ही में अपनी दुखी सखी को देखा तो वे अचंभित रह गईं। वो अपने प्रेमी की बिछोह सहन न कर पाने के कारण विचलित सी हो गई थी। उसने उन्हें बताया कि माधव ने उसको कितना सम्मान दिया था, लेकिन उसके अपने दुर्व्यवहार के कारण अब उसे अपमान सहना पड़ रहा है। गोपियां ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थीं। चांद की रोशनी तक ही कृष्ण को खोजते हुए वन के भीतर घुसने वाली गोपियों ने जब अपने चारों ओर घना अंधेरा देखा तो वापस लौटने का निर्णय किया। उनके मन कृष्ण के चिंतन में ऐसे लीन हो गए कि वे उनके बारे में बात करने लगी, उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी और स्वयं को उनकी उपस्थिति से भरा हुआ महसूस करने लगी। वे अपने घर के बारे में पूरी तरह से भूल गईं और कृष्ण के अलौकिक गुणों का जोर जोर से गुणगान करने लगीं। गोपियां पुनः कालिंदी तट पर आ पहुंची, कृष्ण का ध्यान करते हुए और आतुरता से उनकी आशा में बैठी कि वे अवश्य ही आएंगे और उनके विषय में गीत गाने लगीं।